हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीजॉन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आपके एसएससी एग्ज़ाम जो चल रहे हैं उनमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस कंट्री में है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक अपना इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक पे चलिए, आज हम आपको कंट्रीज़ और उनके जहाँ हेडक्वार्टर्स हैं ऐसी कंट्री के बारे में बताते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपको बेहद महत्वपूर्ण रहेगा यदि आप किसी भी एसएससी सीजीएल यदि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान से देखना है, बस आपसे 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होगा, लेकिन 10 मिनट में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, उसके बारे में पढ़ेंगे। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, देखिए सबसे पहले हम जिनेवा और स्विट्ज़रलैंड के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने भी देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स हर एक जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उनमें आ जाता है कि आपका ये वाला जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है तो आपको बताना होता है, या फिर आपका आता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, कहाँ पर सेटअप इसका हेडक्वार्टर, तो आपको उसका आंसर देना होता है। तो चलिए इसी टॉपिक पर हम आप आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन वाइज इसलिए नहीं कराए हैं क्योंकि आपके माइंड से निकल जाएगा वो। मैं आपको इकट्ठा लिख दे रही हूँ जैसे मैंने इकट्ठा लिखा है, तो आपको मेरे कंटेंट पे ध्यान देना है। जैसे मैंने जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के बारे में जो 11 के 11 हैं वो वहाँ पर डाल दिए जो इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको इससे क्या रहेगा कि आप इसको एक बार बैठ के पढ़ेंगे, आपको जैसे आप इसको 10 मिनट भी देंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और आपको तुरंत याद आ जाएगा। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोल दिया तो आप कहीं और ना जाके तुरंत आपको याद आ जाएगा ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के टॉपिक से ही है, मतलब उसी की सीरीज़ में था। तो मैंने इसलिए सीरीज वाइज को लगाया है, तो आप ध्यान से देखिएगा इसको। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये भी आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, याद रखना है फ्रेंड्स। और डिटेल में मैंने आपको उसके ईयर वाइज इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो बहुत ही हॉचपॉच हो जाता वीडियो, तो मैं कभी उसके बारे में डिटेल से आपको बता दूंगी। अभी आपको सिर्फ इतना देखना है क्योंकि ऐसे ही आते हैं और क्वेश्चंस आते हैं ऑप्शंस वाले। तो चलिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड ये भी आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्ज़रलैंड, मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स ये भी आपका स्विट्ज़रलैंड में है। बेसिकली ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट आ जाता है कभी कभी, तो आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन तो ये भी आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद और देखते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, आपको याद रखना है इसको, ये महत्वपूर्ण है, आता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको इसके हेड के बारे में आपको बताना है कि यहाँ हेड कौन है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये भी आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ये भी आपके कहाँ है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो ओके फ्रेंड्स, ये था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के बारे में सारे हेड मतलब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो भी इंपॉर्टेंट होती है परीक्षा के बेसिस, ओके फ्रेंड्स, एग्जाम बेसिस। चलिए पेरिस फ्रांस पे आ जाते हैं। पेरिस फ्रांस में जितने भी हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को भी आपका कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, आपका जो OECD है वो भी कहाँ है, पेरिस फ्रांस में, ओके फ्रेंड। OECD यूनेस्को आपको याद रखना है ये कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अब मैंने आपको ये इम्पोर्टेंट कुछ जो बेहद इम्पोर्टेंट है और जो अलग अलग कंट्रीज़ में है एस्टेब्लिश, उनके बारे में मैंने आपको इस लिस्ट में बताया, तो इस लिस्ट का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। ये नाटो है, नाटो का ब्रसेल्स बेल्जियम, याद रखना है नाटो का ब्रसेल्स बेल्जियम में है, कहाँ पर है, ब्रसेल्स बेल्जियम। अभी नाटो बहुत ही चर्चा में था इसलिए आपका बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके फ्रेंड। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी तो ये आपका अबू धाबी UAE में है।
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ये आपका कहाँ है, काठमांडू नेपाल में। फ्रेंड्स ये क्या है आपका, सार्क है। क्या है सार्क, मैंने लिखा नहीं है, ये आपका क्या है, सार्क है। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है। एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, एशियन, ये आपका क्या है, एशियन, क्या है आपका, एशियन। ओके फ्रेंड्स, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यहाँ पे ईस्ट आ गया, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये आपका कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया। कहाँ पे आपका, जकार्ता इंडोनेशिया। नेक्स्ट एशिया पैसिफिक, ये आपको याद रखना है, एशियन है फ्रेंड्स। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन APEC, ये आपको सिंगापुर में है। APEC मैनी टाइम्स पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है सिंगापुर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ये जेद्दा है, सऊदी अरेबिया में है। ये अभी इसलिए चर्चा में था, तुर्की मलेशिया के कारण ये चर्चा में था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बेहद इंपॉर्टेंट, द हेग नीदरलैंड, क्या है, द हेग नीदरलैंड। तो फ्रेंड्स ये थे आपके सारे, मैंने आपको बता दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। और कोई भी एग्जाम हो, अभी जो SSC के एग्जाम चल रहे हैं उनमें बहुत ऐसा नहीं है, बहुत बहुत टफ लेवल का नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी आ रहा है वो उसमें, जैसे अभी पूछा था पंजाब के CM कौन है, तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि जो अभी जो परीक्षा के उनके दृष्टिकोण, मतलब जो अभी अभी तो आने ही वाले हैं, अभी कम ही हुए हैं, तो अभी हाई लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो इस दृष्टिकोण से। और अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी अभी उनमें हेडक्वार्टर के बारे में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आया है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है हेडक्वार्टर के बारे में। और मैंने जो भी बताया आपको बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप सारे के सारे, और इसके बाद में जो और भी हैं वो मैं आपको बता दूंगी, जैसे जहाँ UNO है, और जो न्यूयॉर्क में है USA में, उसके बारे में आपको अलग से बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, या जैसे, और जैसे लंदन में जो है उसके बारे में आपको अलग से बता दूंगी। ओके फ्रेंड्स, वेन ऑस्ट्रेलिया के वे जो भी है मैं आपको उसके बारे में अलग से जानकारी दे दूंगी। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ध्यान से एक बार फिर से रिवाइज़ कीजिए। और आप, मैं आपको एक एक ओपिनियन देना चाहूँगी कि जो जिनेवा स्विट्जरलैंड की है, वो आपको अलग से बैठ के आप उसको लर्न कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।